फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि कैसे हम मैनेज करें अपने टाइम को IBPS क्लर्क प्री के लिए। दोस्तों देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एज कंपेरेटिव टू हमारी प्रैक्टिस। तो हमारी है ही प्रैक्टिस, तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वहां रोल प्ले करता है। ये एक हमारा गाइडेंस है जो हमें गाइड देगा कि हमें कितने टाइम में क्या चीज करनी है, किस तरीके से हमें सब चीजें मैनेज करके रखनी है। दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, तो मेरे साथ पूरा बने रहिए। एक एक चीज आपको रिसर्च वर्क से मिलेगी और हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं उनके सभी के सवाल होंगे। पहले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, फिर धीरे धीरे उनके आंसर आएंगे। अब स्वेयर सिलेक्शन कैसे लें, मतलब सबसे बड़ी बात आती है कि हम सिलेक्शन पक्का कैसे करें। तो सिलेक्शन ऐसे पक्का नहीं होता। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस आप जम के कर रहे हैं, किसी की प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, और अगर इंसान अपने आप को खुद को जानता है ना, तो कहीं कुछ दोहराए नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से अवगत नहीं है, हम खुद जानते नहीं है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हम खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कट ऑफ नहीं पार हो पाती है, मॉक टेस्ट देते होंगे आप, मार्क्स नहीं गेन हो पाते होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बात ये है कि सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है सिलेक्शन लेने के लिए, IBPS क्लर्क हो, इवन किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आप सिलेक्शन ले पाएंगे अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो लाइफ में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी जानते हैं इस चीज को। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है जिंदगी में अगर आपको सफल होना है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और किस तरीके से हमें ये चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि कितना नंबर्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये सब आप जानते हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। देखिए, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ये होती ही है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम रीजनिंग का भी यही रोल होता है ना दोस्तों। तो कंपोजिट टाइम 1 घंटे का मिलता है, यहां पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये जरूरी है कि क्या करना है ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं मैंने कब से बोल रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रिसर्च करना, प्रैक्टिकल नॉलेज खुद गेन करना, फिर उसको आपको डिलीवर करना, उसका मजा ही कुछ और है ना। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट्स क्या है हमारी। एग्जाम डेट्स आपको पता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत करीब रह चुका है ना, बहुत करीब हो गया। अब आपको 2 दिसंबर वाले जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ हैं या 3 दिसंबर वाले हैं, एग्जाम डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी से फर्क पड़ता है, और हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे भी फर्क पड़ता है। तो सारी चीजें यहां डिस्कस होंगी, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप मेरे से प्रॉमिस करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस उसी हिसाब से करेंगे जैसा कि मैं आपको यहां बताता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो अडॉप्ट करना, और ऑब्वियसली बात है सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों पहली बात तो, ठीक है। तो मेन एग्जाम 21 जनवरी को है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, 21 जनवरी 2018 को हमारा मेन एग्जाम है। प्री एग्जाम पे फोकस करेंगे यहां तो कम, मतलब अभी पैटर्न चेंज हुआ है इस साल कि मेन एग्जाम में टाइम को बाउंड कर दिया गया है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए दोस्तों, है ना। तो ये हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर हम जनरल अवेयरनेस को कम पढ़ के गए हैं तो वहां टाइम हम 25 मिनट बैठने पड़ते हैं या फिर तुक्के मारने पड़ते हैं, तो वो चीज अभी बाद में बात करेंगे। मेन की भी आपको शानदार वाली स्ट्रेटेजी मैं लेके आने वाला हूं, और इसके बारे में बात करते हैं कि अब हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए दोस्तों, क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और क्या कुछ संभव है। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस चीज को समझिएगा। देखिए, अपना एक विजन होता है, विजन कहते हैं ना यार, अपने विजन को बढ़ाइए। तो देखिए, विजन एक अपनी एक, देखिए हर बंदे का, हर किसी एस्पिरेंट्स का अपना एक विजन होता है, ठीक है। तो विजन क्या होती है पता है, विजन वो ताकत है जो अदृश्य को देखने की काबिलियत रखती है दोस्तों, है ना। मतलब जो चीज दिखती नहीं है उसमें भी हमें विजन से हम देख सकते हैं कि हमारा विजन इतना अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप जब अदृश्य को देख सकते हैं तो असंभव को संभव क्यों नहीं कर सकते, मेरे को यह बताइए। असंभव को संभव करना क्या अदृश्य को देखने से ज्यादा बड़ा बात है क्या? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जो ये मीनिंग्स बनी है इम्पॉसिबल, आपने सुना होगा कि देखिए बहुत पुराना डायलॉग है आई एम पॉसिबल, लेकिन ये ऐसे ही थोड़ी ना बन गया है।
हर किसी मीनिंग के अंदर, नेगेटिव मीनिंग के अंदर पॉजिटिविटी छुपी होती है। जैसे कि बोलते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना दोस्तों। अगर आपने जीवन में फेलियर नहीं सहा ना, तो आप सक्सेस की ओर प्रगति ही नहीं कर रहे। कितने बड़े बड़े आदमी हैं, अमिताभ बच्चन, ये जितने बड़े बड़े आदमी, कितने भी बड़े बड़े बिल गेट्स, है ना, KFC के जो हेड हैं, चर्चिल हैं, ये सब ने फेलियर सहा है, उनसे कुछ सीखा है। देखिए मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं तो अपने लक्ष्य को चेंज ना करें, अपने प्रयासों को चेंज करें। जो आप प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें बदलाव लाएं, तो आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, ये थे हमारे चार क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे भी रिलेटेड होंगे और आप भी इन चीजों से जूझ रहे होंगे। अच्छी बात ये है कि सबका आंसर हम देंगे आपको, ठीक है। तो पहले क्या अटेम्प्ट करें और कितने टाइम में करें, ये बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई कि सर पहले अटेम्प्ट क्या किया जाए। दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये बताइए मेरे को कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं। जो मतलब मेरी बातें सुन रहे हैं वो अपने आप सोचिए कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस चल रहा है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ही एक सिमिलर टेस्ट देना मॉक टेस्ट होता है ना। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करना कि आप जब डेली कोई सेक्शन को देखते हैं, आपने एक पैटर्न बना रखा होगा अपना कि मुझे इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करनी है, या फिर मुझे क्वांट पहले अटेम्प्ट करनी है, या फिर मुझे रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करनी है, डेफिनेटली आपने बना रखा होगा। तो आप जिस हिसाब से डेली चल रहे हैं, अगर आपके मार्क्स मतलब डे बाई डे अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके मार्क्स डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसी वे में चलें और अपने सक्सेस को अपनी मुट्ठी में ले लें दोस्तों, है ना। और अगर जो एस्पिरेंट्स रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रोज मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लें। जिससे क्या होगा कि जो भी आप एडिशनल नॉलेज लेते हैं, कैसे नॉलेज इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है, पढ़ने से ही इंग्लिश, बुक्स पढ़ने से इंग्लिश कभी नहीं आएगी दोस्तों, बैंक की तो खासकर, आपको भी पता है ये, मैं बात 100% सत्य कह रहा हूं। क्योंकि जब तक कि बैंक की इंग्लिश को नहीं समझेंगे लैंग्वेज के बेस्ड पे, तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। तो इस बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे इंग्लिश में मार्क्स आए, है ना दोस्तों। तो बात आती है कि अटेम्प्ट क्या करें, मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर जो रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करें, उसके बाद क्वांट रीजनिंग कोई भी सेक्शन ले लें जो आपका अच्छा हो। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप पर्टिकुलर टाइम में देके और अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप डैम श्योर है कि नंबर ले पाएंगे वहां से, है ना। लास्ट में प्रेशराइज हो जाते हैं, तुक्के मारने के सिवा इंग्लिश में कोई चारा नहीं बचता है अगर लास्ट में लेके चलते हैं। और जो बच्चे रोज प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको तो ये पता ही होगा कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने आप को। तो बिल्कुल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों आप। और जिन्होंने अब तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, वो अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो डेफिनेटली ये काम कर लें। अगर नहीं हो तो मेरे से कहना कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बस अपने अंदर विश्वास रखना जरूरी है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो बात आ गई अब टाइम मैनेजमेंट की, बात स्टार्ट करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में क्या है। देखिए आपको पता है कि हमारे पास 60 मिनट हैं अपने जिंदगी के, 60 मिनट। ये आपने चक्र इंडिया में एक डायलॉग सुना होगा, वो 70 मिनट का डायलॉग है। वो डायलॉग इतना मोटिवेटेड डायलॉग है दोस्तों, ये 60 मिनट के लिए भी लागू हो जाता है, है ना। कि ये 60 मिनट आपसे, ये खुद के 60 मिनट हैं, इन्हें कोई आपसे नहीं छीन सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इन 60 मिनट में वो काम कर रहे हैं जिससे आप हजारों लोगों, लाखों लोगों से आगे निकल जाए दोस्तों, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस 60 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले चलते हैं इंग्लिश सेक्शन के टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। जब आपके पास 60 मिनट होंगे आपके हाथों में और आपकी घड़ी स्टार्ट हो गई होगी दोस्तों, है ना। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो बस वही बात करने के लिए मैं यहां पे हूं। देखिएगा पहला पॉइंट आपके सामने है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये क्लर्क लेवल का एग्जाम है, आप भी जानते हैं अगर ये क्लर्क लेवल का एग्जाम है, तो पैसेज जो होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा, वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, आपको अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। ये 20 दिन है ना, 20 दिन का मतलब समझ रहे हैं, पर डे 24 घंटे होते हैं।
आपके पास 480 घंटे हैं सिर्फ एक घंटे परफॉर्म करने के लिए, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो 480 घंटे में क्या एक घंटे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते आप? तो मैं कहता हूं कि प्रॉपर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्किल बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश का, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एडिटोरियल्स पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आप मीनिंग और वोकैबुलरी अपनी क्लियर करेंगे, रीडिंग स्किल अपना तेज करेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं सिलेक्शन होगा और श्योर होगा और इसी साल होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरी बात ध्यान से रखें। और रीडिंग एडिटोरियल कहां से पढ़ेंगे? आपके पास एक सोर्स है जो कि आपको सारा चीज प्रोवाइड करा रहा है, जो वाईफाई स्टडी के थ्रू ही चल रहा है। वोकैब 24 आप इंस्टॉल करें, बहुत अच्छी ऐप है वो, और आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी उसमें। देखिए आपको मतलब हर तरीके के एडिटोरियल मिल रहे हैं, दिन में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सब मिल रहा है, वोकैबुलरी मिल रही है, टैपिंग मिल रही है, तो क्यों यूज नहीं करते उसको आप, है ना? तो यूज करें उसको, क्योंकि इफेक्टिव है आपके लिए। 20 दिन अपने आप को झोंक दें अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, है ना? क्योंकि ये ऐसा इतना आसान तो नहीं है। लोग टॉपर बनते हैं, क्यों बनते हैं? वो प्रयास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, आप भी जानते हैं इस चीज को। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे कह सकता हूं, और आप इस चीज को माने तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है। तो आप बात करते हैं चलिए टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के, कि जो भी ये चीजें हैं ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इतने ही टाइम में आप अपने मॉक टेस्ट में ये चीजें लगाएं। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, 7 मिनट के अंदर अंदर। देखिए इसमें आपको पता है पहले एंटोनम सिनोनम इडियम फ्रेज के क्वेश्चन डेफिनेटली 3 से 4 पूछे जाते हैं, और 6 क्वेश्चन अपने ट्रू फॉल्स, रीडिंग स्किल बेस्ड और डायरेक्ट डेटा भी मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से आप मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में कट ऑफ निकालना ही भारी पड़ जाता है कई लोगों के, और एवरेज स्टूडेंट है ना, क्लर्क लेवल का एग्जाम है, तो डेफिनेटली आप मार्क्स ला सकते हैं। ये पेपर आपके लिए ही हार्ड नहीं होगा, ये सब एस्पिरेंट्स के लिए हार्ड होगा, और सेक्शनल कट ऑफ भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है जो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है। आप भी जानते हैं इस चीज को, जैसा कि आपने आईबीपीएस पीओ में देखा है कि कट ऑफ कितना कम रह गया है ना, 5 मार्क्स कट ऑफ रह गया सेक्शनल इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि टफ आया था, नया पैटर्न आ गया। तो आप घबराए नहीं, आप बस अपना वो एफर्ट दें जिससे आप अपने 10 मार्क्स गेन कर सके, समझ रहे हैं? देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए कि हमें बस 10 मार्क्स लाने हैं, फिर हमें अपनी जो 2 सब्जेक्ट हैं कोर सब्जेक्ट, अगर आपकी वो अच्छी हैं तो वहां मार्क्स क्यों नहीं गेन करते, है ना दोस्तों? तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि 30 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन 7 मिनट में करने हैं। अगर क्लोज टेस्ट आता है तो ऑब्वियस सी बात है इजी ही आएगा, क्योंकि क्लर्क लेवल का एग्जाम है। आप बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि हार्ड भी तो आ सकता है सर, पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। देखिए पॉसिबिलिटी को लेके तो कुछ भी चला जा सकता है ना, कट ऑफ इसकी 40 भी तो जा सकती है, कट ऑफ इसकी 50 भी तो जा सकती है, 66 क्यों गई थी पिछली बार। तो ऐसी बातें ना सोचें, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरें, जितने मोटिवेटेड होंगे, जितना आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितना आप इंग्लिश के यूज टू होंगे ना लैंग्वेज के, तो उतना ही आप परफॉर्म कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड आएगा, इकोनॉमिक बेस्ड आएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं, और उन टर्म को आप पुट कर सकते हैं जो कि क्लोज टेस्ट में आती हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले वोकैबुलरी को तैयार करें, जो कि आप वोकैब 24 से आसानी से कर सकते हैं। फिक्स प्रपोजिशन को याद करना स्टार्ट कर दें, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा दोस्तों। फिक्स प्रपोजिशन आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको चुटकियों में क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। तो आप 4 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो अगला आपके पास ये आता है कि फिलर्स, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए मिल सकते हैं इसलिए बोला है कि शायद ना भी आए और शायद आ भी जाए, समझ रहे हैं दोस्तों, और इसलिए सारे मार्जिन में लेके चल रहा हूं, आप इन चीजों को समझ लें। 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में करने हैं, आ रहा है तो करना है। फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना आसान होता है एज कंपेरेटिव टू रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप तुक्के मारेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो नेगेटिव क्यों करें जब हम ईमानदारी से अपने 10 नंबर लेके आ सकते हैं, तो समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए बिल्कुल स्मार्ट वे में चलना है, और इन चीजों को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास समय है 20 दिन, और 20 दिन इसी वे में चलिए, और डेफिनेटली आप अपने मार्क्स इंप्रूव करके छोड़ेंगे, मतलब आप अपनी मेहनत पे ही सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं बता सकता आपको कि भाई ये ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज कर ले और सिलेक्शन हो जाएगा, भगवान चमत्कार कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और नीचे क्या आती है, सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर के 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन फिलर्स विलर्स आ गए तो 5 क्वेश्चन सेंटेंस एरर हो जाएगा। इधर उधर से मैनेज करके 30 क्वेश्चन उसको करने हैं, सारे मैंने आपको इंटरवल्स लिख दिए हैं, आप देखेंगे 30 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, और ये सेंटेंस एरर हैं जो कि 3 से 4 मिनट में करने पड़ेंगे। देखिएगा, देखिए सेंटेंस एरर में आपके
अगर ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए ना तो आप पे सोने पे सुहागा है, मतलब आपके लिए बेनिफिट की बात है कि आप उसके यूज्ड टू हैं, समझते हैं इस चीज को कि आप उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो क्रैक करके ही आएंगे, एक दो नेगेटिव भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी ये जानते हैं ना। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट है कि आपको 3-4 मिनट ही करने हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना कि मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ रहा हूं कि मेरा एरर निकल जाए। अगर किसी क्वेश्चन में नो एरर भी हुई, मान के चलिए आप एक चीज आप भी जानते होंगे इस चीज को, अगर किसी क्वेश्चन में नो एरर भी हुई ना तो उसमें जबरदस्ती एरर निकाल के आते हैं हम लोग, है ना, ये भी जानते हैं हम। तो ऐसा ना करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर पता लग रहा है ना कि इसमें एरर है तो वही एरर निकालें, नहीं तो बेमतलब वाली एरर ना निकालें, समझ रहे हैं। तो अगर न्यू पैटर्न आ जाए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की तरह, तो मैं ये कहूंगा कि आपसे कि आप पहली बार एक बार सोचें कि मैं इनको कर सकता हूं या मैंने इनकी प्रैक्टिस की है तो करें, नहीं तो आप अपने सेक्शन पे जाएं जहां आप मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप मार्क्स कहां लेके आ सकते हैं आपको साफ पता लग गया, अगर फिलर्स आएंगे तो फिलर्स कर सकते हैं, अगर आपके पास फिलर्स आएंगे तो फिलर्स कर सकते हैं, और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, और अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो वहां से भी आप मार्क्स लेके आ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अब आप कंक्लूजन पे चलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा और हमने कितना टाइम हमने यूटिलाइज किया इसमें। तो देखिए कंक्लूजन ये है आपके सामने कि 15 मिनट में 30 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए आपके सामने टाइम मैनेजमेंट पीछे है, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं हर एक टॉपिक के लिए, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट में करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि करना ही है, ठीक है ना, ये प्रेशराइज है, मस्ट अटेम्प्ट करना है ऐसे तो आपको, है ना, जिससे कि आपके इजीली टू 15 से 18 मार्क्स आसानी से आ जाएं और आप सेफ जोन में चले जाएं इंग्लिश की तरफ से, तो समझ रहे हैं मेरी बात। अब आपके पास जो खेल रह जाएगा सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का रह जाएगा, जिसमें हम परफेक्शन से काम कर रहे हैं, और आपके पता है कि एज कंपेरेटिव टू इंग्लिश इन दोनों में कम डर लगता है ना दोस्तों। ओके दोस्तों चलते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन की तरफ, जहां हमने अपने 45 मिनट्स रिमेनिंग आपको दिख रहा होगा वो बचा के रख रखे हैं, वो किस लिए, दो सेक्शंस के लिए। रीजनिंग इजी होता है, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इजी ही आएंगे, घबराएं नहीं, आप सेट कर पाएंगे। अगर ये सोच के जाएंगे कि भाई हार्ड आते हैं, देखिए सेटिंग अरेंजमेंट 4-4, 5-5 लाइन के पूछे जाते हैं क्लर्क लेवल में, लेकिन फिर भी वो सेट नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि हम मतलब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि यार ये सेट होगा नहीं होगा, या ट्रिकी पूछा है इसने, तो भाई मेंटलिटी क्या बनती है, ट्रिकी पूछा है एग्जाम में तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए पॉसिबिलिटी की बात होती है, सारी पॉसिबिलिटी लेके चलो, मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन अगर 3-4 मिनट ले लेना पजल का तो मेरे से नाम कहना, मतलब ये बात है कि आप अगर अपनी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे ना पूरी की पूरी, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, मैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि अब देखिए 20 दिन है, अब हमें थोड़ा अपना दिमाग, जब एग्जाम पास आता है ना तो डर लगने लग जाता है, एग्जाम पास आता है डर लगने लग जाता है, तो डर से ही हम थोड़ा अपने आप को मोटिवेट समझते हैं ना दोस्तों। तो अब इसी टाइम हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे लगाते हैं, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, ट्रिकी पजल पे बेस्ड काम करेंगे। तो आपको पता है कि इस तरीके से पजल आती हैं। अब पहला टॉपिक क्या आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन 3 मिनट में करने हैं, आसान आते हैं, करने ही पड़ेंगे, मस्ट डू है ये सारी चीजें, आपको करनी ही है, है ना। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम और नंबर बेस्ड प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन आपको 3 मिनट में करने हैं, आसान आते हैं, आप भी जानते हैं कि 3 डिजिट का तो कोई नंबर होगा और 3 लेटर का कोई वर्ड होगा, उसमें मतलब उसमें जो वर्ड होगा उसमें अपने किस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पे, डेफिनेटली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा किसी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो सकते, उनमें कंडीशन लगा देगा। और नंबर्स वाले में क्या करेगा कि सम संख्या मतलब इवन और ऑड पे बेस्ड काम करेगा, सम और विषम में एक जोड़ दिया एक घटा दिया, पीछे ले गए आगे ले गए, ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप कर सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जम के प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगला टॉपिक, ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें आपको 2-3 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा मिनट नहीं देने, क्योंकि आपको अगर टाइम बचाएंगे ना तो ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्वांट भी बचा हुआ है। और देखिए मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि कैसे टाइम बचेगा और कैसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो इनइक्वालिटी आप इस तरीके से अटेम्प्ट करें, ये टाइम आपका ये है ना निश्चित है रीजनिंग में, तो मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा टाइम अगर देते हैं ना आप तो अपना मतलब सिलेक्शन रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, डेफिनेटली पूरा रिसर्च वर्क है दोस्तों, विश्वास करें मेरा, देखिएगा। मिसलिनियस रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं आपको मिसलिनियस रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, कैसे पैटर्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की वीडियो देखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मिसलिनियस का। तो 3-4 मिनट में आपको दे रहा हूं, बहुत है, क्योंकि अगर आप उनको पहली बार देख रहे हैं तो टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि डायरेक्ट ये बात होने वाली है तो आप फटाफट कर लेंगे उनको, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 5 क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं आप आसानी से, तो ये आसान चीज था। अब मिसलिनियस में क्या पूछा जाता है, देखिए वर्ड और नंबर इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
नंबर ऑफ लेटर बिटवीन, मतलब जो एक वर्ड के अंदर जो भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने लेटर आते हैं अगर उनको गिना जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन मिसलेनियस में काउंट कर लिए मैंने, क्योंकि तीन या दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे छोटे छोटे पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इनको कर ही लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आप पे, क्योंकि अगर इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको कर ही लेंगे, और ये करना है इतने ही समय में, करना जरूरी नहीं है इतने समय में करना है, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं दोस्तों, है ना, टाइम मैनेजमेंट का बात है। तो देखिए अब उसके बाद क्या है सबसे हार्ड काम, अब हमारे पास 32 मिनट्स बचे हैं, पिछले वाले जो हमने देखा रीजनिंग का टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास 32 मिनट बचे हैं, आप स्लाइड में ऊपर देख सकते हैं, है ना। देखिएगा अब क्या बात है इसमें कि अब पजल की बात आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है ही कि पजल 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट 15 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, 20 मार्क्स का हम वहाँ लेके आ चुके हैं पिछले मतलब हम पढ़ चुके हैं 20 मार्क्स का, कितने टाइम में मैनेज करना है वो हम सीख चुके हैं। अब बात आती है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, आपको 15 मतलब 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे। पिछले बार क्या हुआ था दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट तीनों सिटिंग अरेंजमेंट आ गए, समझ रहे हो कौन कौन से आ गए, ये सामने है सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर बेस्ड भी आ गया, एक लाइन में 8 बंदे बैठा रखे हैं नॉर्थ फेसिंग करके ये भी आ गया, और दो लाइन है पैरेलल उनमें 12% और 10% बैठा रखे, ऐसे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट आए थे तीनों के तीनों, है ना। तो अब इस बार सोच सकते हैं कि फ्लोर बेस्ड पजल आ जाए या फिर डेट एंड टाइम बेस्ड पजल आ जाए, और आप अपने हिसाब से उनको मैनेज कर पाएं और आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसमें आपको 8 मिनट से ज्यादा नहीं देना है अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो, दोस्तों 1-5 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, बहुत दुख की बात है 30 मतलब क्वेश्चन ही कर पाएंगे आप, क्योंकि हमें क्वांट भी तो करनी है। और हाँ मैं ये आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं 35 क्वेश्चन तो करें, अगर आपका मैथ का मिसलिनियस पार्ट वीक है, नंबर कहीं से भी आने चाहिए, नंबर आने चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। अगर आपको यहाँ समझ में आती है चीज कि हमारे यहाँ तीनों पजल सेट हो गई, हम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली करें, मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा इस चीज़ के। लेकिन अगर आप रीजनिंग में भी उतने ही बेहतर हैं जितने मतलब जितने आप क्वांट में बेहतर हैं उतने ही आप रीजनिंग में भी बेहतर हैं, तो दोनों को मतलब इस तरीके से मैनेज करें कि आप अपना सिलेक्शन ले सके दोस्तों। ईमानदारी वाली बात है जो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं दोस्तों। अब 7वां पॉइंट क्या आता है, कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट, अगर वो खेल खेलना चाहेगा 5 मार्क्स का तो ये दे देगा, समझ रहे हैं आप, कोडिंग डिकोडिंग दे देगा या फिर इनपुट आउटपुट दे देगा। अब वही बात है, अगर इनपुट आउटपुट में आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप एक बैकअप में डाल सकते हैं कि यार मैं 30 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करता हूं, अपने 30 क्वेश्चन अच्छी एक्यूरेसी के साथ करता हूं, तो मैं यहां सेफ खेल गया, अब मुझे क्वांट पे जाना चाहिए, समझ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कंक्लूजन क्या आता है, यहां हमने 8 मिनट दिए दोस्तों, है ना, 8 मिनट दिए 10 क्वेश्चन में, 8 मिनट दिए, समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने 10 ही क्वेश्चन किए हैं तो 8 मिनट ही दिए, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना है क्वांट के लिए भी, तो 24 मिनट हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं जो हम किस में यूज करेंगे, क्वांट में यूज करेंगे दोस्तों। आई बात आपके समझ में, सारी चीज टाइम मैनेजमेंट फुल प्रूफ है। अगर आपको लग रहा हो अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपने सोचा होगा सर ने इतनी देर से नहीं बोला, लेकिन मैंने अब बोल दिया दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि अब सही है बोलना, है ना। तो देखिए कंक्लूजन क्या होता है, वी कैन अटेम्प्ट अप्रोक्स 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 21 मिनट्स में करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और कौन सी बात है, और आसानी से 25 मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर गुड एक्यूरेसी के साथ, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं आपको एक परफेक्ट एस्पिरेंट्स मान के नहीं चलूं, तो 25 क्वेश्चन आसानी से आप ला सकते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वांट पे, जिसमें हमारे 24 मिनट के साथ हमें खेलना है, क्या है देखिएगा, क्वांट का टाइम मैनेजमेंट आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पहला पॉइंट आपके सामने है, 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ये आपका मतलब ये बताऊं ना, सिलेक्शन लेना है तो ये तो करना ही है, समझ रहे हो, सब कुछ करना है लेकिन मैनेजमेंट के साथ करना है, टाइम के साथ करना है, क्योंकि अगर टाइम को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, समझते हैं आप ये सब। देखिए 15 क्वेश्चन करने आते हैं आपको, ये 8 से 10 मिनट में करने, और 8 मिनट में ही करने, 8, 9, 10 11वां मिनट नहीं लगाना है, अगर लगा दिया तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं, बाधा आ सकती है ना दोस्तों। तो कहीं भी मैनेज करें, मैं ये नहीं कहूंगा आपका सिंप्लीफिकेशन हार्ड है या वीक है, मतलब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये नहीं कहूंगा, देखिए कहीं भी बचाएं टाइम, टाइम बचाना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। तो आप चलते हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन हमारा, और इजीली गेट फुल मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं 15 के 15, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो हमारे सामने ही होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, डेफिनेटली लेके आएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो आप सिलेक्शन भी लेंगे और मुझे बोलेंगे कि सर सिलेक्शन हो गया, है ना। तो प्रैक्टिस करें ईच एंड एवरी ट्रिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन,
दोस्तों हर कोई ट्रिक है ना सिंप्लीफिकेशन की, उसकी प्रैक्टिस करें। मैं तो ये कहता हूं कहीं से भी करें, कुछ भी करें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ऐसा कर लें कि जो आपका सिलेक्शन में वादा ना क्रिएट करे और टाइम ज्यादा ना लगे। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा आपसे, है ना, कहीं से भी सीखें, सीखने की कोई मना नहीं है ना। अगला बात क्या आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन। एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूं, मतलब पांच क्वेश्चन का एक सेट आएगा तो पांच क्वेश्चन आएंगे। और देखिए बहुत आसान क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, टेबुलर वाले। अब जितना ट्रिकी करना चाहते हैं 20 दिन में प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप डेटा इंटरप्रिटेशन की ट्रिक बना सकते हैं। देखिए हम कंटिन्यू क्लास भी ले रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की ट्रिक्स की, तो आप उनको समझिए और कुछ भी ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में, सफल आपको होना है। और डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर रहा हूं दोस्तों, है ना। तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये 6 मिनट में आपको, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 मिनट देने हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट ही देने हैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है 5 क्वेश्चन आते हैं तो। अब बात समझिए कि 5 क्वेश्चन की बात क्यों कर रहा हूं। देखिए स्पेशल फोकस होगा टेबुलर पे, टेबुलर डीआई आपकी पूछी जाएगी, या फिर पाई चार्ट पूछ लेगा, या फिर लाइन ग्राफ, या फिर वार ग्राफ पूछ लेगा। इनसे बाहर आपके अभी तक पूछे नहीं गए प्री क्लर्क प्री लेवल पे, समझ रहे दोस्तों। आप भी जानते हैं SBI PO से लेके हमने सारे बैंक की बात की है, तो इससे ज्यादा भार गया नहीं है वो, तो अभी भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं तक रहेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 मिनट में 3 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे ना। तो मैं बताता हूँ, अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको आसान लग रहे हो, पढ़ने में आसान हो। मैंने भी ये चीज़ देखी है कि DI आसान होती है, समझ रहे हैं आप, DI आसान होती है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन होता है ना, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसको पढ़ते पढ़ते पसीने छूट जाते हैं। तो वो क्वेश्चन को इग्नोर करें, जो आसान क्वेश्चन है कि एवरेज निकालना है, रेशो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें और कम समय में आप मार्क्स ले पाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। स्मार्ट वर्क ये होता है, आप समझ रहे होंगे, वही चीज करें, प्रैक्टिस आपके सामने है। और कोई भी डाउट होना तो कमेंट बॉक्स भी आपका है, है ना, और हम आपकी जो भी संभव हेल्प हो सकेगी वो करेंगे, डेफिनेटली आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। तो अब अपना टाइम लेंदी क्वेश्चन में वेस्ट ना करें। इसके बाद आती है नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 2 तारीख वाले हैं ना, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वो इतना अच्छा वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो गारंटी है आपको ये महसूस नहीं होगा कि सर हमें तो क्वेश्चन पता नहीं होता लेकिन 3 तारीख वाले को पता चल गया था, 9 तारीख वालों को पता चल गया था, ऐसा कभी भी महसूस नहीं करेंगे। तो वो वीडियो आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां नंबर सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है मैंने एक वीडियो डाली है, वो आप जरूर देखें दोस्तों। IBPS क्लर्क के लिए डालिए स्पेसिफिक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे पैटर्न बताए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता नहीं था, डेफिनेटली बता रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल इनके पैटर्न आ जाएंगे, नंबर सीरीज आप आसानी से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है नंबर सीरीज के जगह पे, जैसे IBPS PO में पूछा जा रहा था, तो आपका तो फायदा ही है, आप 3 से 4 मिनट में इसको कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 8 से 10 मिनट ही बचे हुए हैं, समझ रहे हैं आप, पीछे ऊपर लिखा हुआ है स्लाइड्स पे, आज 8 से 10 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमने 3 से 4 मिनट में ये निपटाए फटाफट। अब हमारे पास कितने मिनट बचे, हमारे पास अब 4 से 6 मिनट बचे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात, 4 से 6 मिनट बचे हैं। अब 4 से 6 मिनट में आपको 10 मिसलिनियस क्वेश्चन में से 4 से 6 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे और आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ से चले तो अपना अप्रोक्सीमेशन अटैम्प कितना हो जाएगा, 30 क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प कर सकते हैं, 24 मिनट में कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ईच क्वेश्चन को 1 मिनट दिया है हमने, समझ रहे हैं, ईच क्वेश्चन को मैंने 1 मिनट दिया है, फिर भी हमने सिंप्लीफिकेशन में जो टाइम बचाया है वो 6 मिनट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं की ना मैंने आपसे, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इजीली गेट 25 से 28 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं गुड एक्यूरेसी के साथ। देखिए बिल्कुल एवरेज बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सर ये हमारे बस में नहीं है, ये आप 20 दिन में अपने अपने मुट्ठी में कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को, ये वो स्ट्रेटजी है, वो टाइम मैनेजमेंट है आपके सामने दोस्तों, है ना, हर टॉपिक के बारे में आपको बता दिया गया है। तो अब आपके सामने ओवरऑल जो 60 मिनट में मैंने बताया उसका एक समरी दे दिया है मैंने आपके सामने कि 15 मिनट हमने इंग्लिश में लिए थे, 21 मिनट हमने रीजनिंग में, क्वांट में 24 मिनट, ओवरऑल मिला के 60 मिनट में हमारे 65 से 71 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों। ये बहुत सफिशियंट है सिलेक्शन लेने के लिए, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम हो जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो घबराएं नहीं, सबके लिए पेपर हार्ड होगा, सबके लिए ईजी होगा, तो आपके लिए नहीं होगा बस, लेकिन आप एक्यूरेसी और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें बस, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ के बारे में, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ से बात आती है कि मैंने जो बताया आपको कि अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हुआ तो कट ऑफ कम हो जाएगा,
यहाँ भी ये चीज समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आपके सामने 2016 की कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ। 2016 की कट ऑफ देखिए, मैंने हर एक स्टेट वाइज कट ऑफ बनाई है, एक लिस्ट है, उसमें से आप कट ऑफ देख सकते हैं अपने अपने स्टेट की। अगली साइड पे देखिए कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इनकी सबकी कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दी है। तो देखिए अब वो कितना, इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कितना करना है ना। आप ये समझ लेना, देखिए अगली स्लाइड पे ये राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से आपकी ये कट ऑफ्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं दोस्तों, है ना। आप ये भी देख सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने, और कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाने वाला है ना, हमेशा ये सोचता है कि कट ऑफ मेरा कम रहे जिससे हमारी वैल्यू मेंटेन रहे दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो डेफिनेटली घबराएं नहीं, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, इससे कम ही हो सकता है, आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें बस, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा दोस्तों। अब दोस्तों टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। जैसा कि चौथा क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही साधन है, जो भी आप अपने देखिए वाईफाई स्टडी में क्विज आते हैं डेली पे डेली, तो उनको लगाइए। देखिए जो भी आपको मटेरियल मिलता हो ना कहीं से भी, वहां से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि 2 मॉक टेस्ट रोज दें इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतनी सी बात कहूंगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर इसमें भी कुछ आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो ना, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई डाउट हो कि कुछ मैनेज नहीं हो पाता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रैक्टिस इस हिसाब से करें, 5 दिन करके देखते हैं, 6ठे दिन आपका इंप्रूवमेंट आपके सामने होगा, और सिलेक्शन मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बात, सिलेक्शन मुझे चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगा होगा, आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों।